दोस्तों, अगर आपके भी किसी दोस्तों का कोई ऐसा वीडियो जो कि प्राइवेट था और लीक हो चुका है और वायरल हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक पहुंचा दें ताकि अगर किसी के साथ भी ऐसा स्कैम होता है तो वो फ़ौरन से उस पर एक्शन ले सकें। तो दोस्तों, अगर किसी के साथ ऐसा स्कैम होता है तो उसे क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको जो लिंक दे रही हूँ आपने उस पर जाना है, आपने उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है, क्योंकि आज के दौर में जो है ना AI स्कैम बहुत ज़्यादा आम है। तो दोस्तों, आपने गूगल पे लिखना है stopncii.org। तो आपको जो भी पहली वेबसाइट मिलेगी ना, आपने उस पर चले जाना है। उस पर जाने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ ट्रांसलेशन का ऑप्शन जो है वो ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे चाइनीज़ से आपको इंग्लिश में दिखाई देने लग जाएगा। तो आपने क्या करना है भाई, सबसे पहले आई वॉन्ट टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखें, इन्होंने बताया भी कि अगर आपको कोई भी थ्रेटन कर रहा है और आपकी जो है प्राइवेट इमेजेस जो है वो आपकी क्या कर रहा है, लीक कर रहा है, वायरल कर रहा है। तो यहाँ पर देखें, बड़े बड़े जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, ये उनको सपोर्ट करता है, जैसे कि फेसबुक हो गया और जो है हमारा इंस्टाग्राम हो गया, तो इन सबको करता है। ये सब डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपने आई वॉन्ट टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो मैंने इसे डेस्कटॉप वर्जन पे कर लिया है। यहाँ पर ये एज पूछेगा, तो आप अगर अंडर 18 है तो उसके लिए कुछ अलग प्रोसेस है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो 18+ होते हैं। तो मैंने 18+ कर दिया। और यहाँ पर इन्होंने बोला भाई, किस तरह की आपकी जो है आपकी प्राइवेट वीडियो है, या आपके दोस्त की है, किसकी भी है, ठीक है। तो आपने जो भी आपका चूज़ कर लेना है तो आपने उधर से चूज़ कर लेना, और जिस तरह की वीडियो है आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, इस तरह, ठीक है। ठीक है, इस तरह से आपने कर देना है। तो मैंने यहाँ पे 2-3 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इन्होंने यहाँ पे बोला है कि आपने कभी भी अपनी ऐसी इमेजेस प्राइवेट डाली हैं या नहीं, तो यस है तो यस, नहीं है तो नहीं। तो आप इसे नेक्स्ट कर देंगे, और नेक्स्ट करने के बाद देखें, आपका पहला जो है ना वो कम्प्लीट हो जाएगा। आपने फिर एक सिलेक्ट इमेज करनी है, जो भी आपकी वीडियो आपके पास वायरल भी आई हुई है, या उसकी कोई इमेज, उसका स्क्रीनशॉट लेके आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। तो आपका तीसरा ऑप्शन खुल जाएगा। तो तीसरे ऑप्शन में आपने क्या करना है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक रैंडमली सी तस्वीर ले ली है जो कि स्क्रीनशॉट लेकर रखी हुई थी, उसे नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपने एक पासवर्ड लगा लेना है। तो यहाँ पे आप कुछ भी 1, 2, 3, 4 मैं लगा रही हूँ, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक पिन जो है वो आपने क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपने एक ऐसी ही ईमेल जो है वो इंटर कर लेना है। तो मैं यहाँ पर एक ईमेल भी इंटर कर देती हूँ। आज जो है आपने ये चेक कर लेना है कि अगर मैं अपना केस नंबर जो है वो लॉस करूँगा तो मैं दोबारा से इसकी डिटेल्स नहीं दे सकूँगी। तो आपने नेक्स्ट कर लेना है, और नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, एक कुछ चीज़ें मिलेंगी जो कि आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और ये देखिए, आपको कोड वगैरह मिल रहा है, आप इसको चाहें तो सेव कर सकते हैं अपने पास, ठीक है, इस कोड को भी। उसके बाद आपने आई एम नॉट रिबॉर्ड पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर भी आपने क्लिक कर देना, और क्लिक करने के बाद आपने सिंपल सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो ये आपकी जो अपील होगी ना वो अप्लाई हो जाएगी, और आपकी जितने भी जगह पर ये वाली तस्वीर जो है वायरल हो रही होगी ना, वो आपको जो है क्या नाम है, डिलीट हो जाएगी। तो अपने तो दोस्तों, आपने यहाँ पर केस नंबर को कॉपी करके रख लेना है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप अपने जितना भी केस है उसको आप ट्रैक कर सकते हो बाद में, और इसको जो है आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो ना, तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।